दौर में जितना किताबों की जानकारी या अध्ययन करना जरूरी है, उतना ही फील्ड का अध्ययन करना जरूरी है, खास तौर से जो फील्ड किताबों के साथ ही फील्ड पर भी काम आती हो। वर्तमान में सभी और निजी संस्थाएं द्वारा ट्यूशन क्लासेस शुरू हो गए हैं। सभी लोग अपनी अपनी उपलब्धियां बताते हैं। हम सभी वह देख बिना कुछ सोचे अपने बच्चों का वहां दाखिला दिला देते हैं, मगर आज के जमाने में सही ज्ञान कहाँ मिलता है? साथ ही अपने बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं, ये देखना भी जरूरी होता है। इस बात के लिए चंद्रपुर वासी सुरक्षित है क्योंकि उनके शहर में कैट सेंटर जो है। जी हाँ, चंद्रपुर शहर में कैट सेंटर नामक एक ऐसी शैक्षणिक संस्था है जो बच्चों को किताबी अध्ययन के साथ ही फील्ड का अध्ययन देते हैं, जिसे एक छात्र पूर्ण रूप से काबिल बनता है और वे अपने अपने फील्ड में आने वाले किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। ये हम नहीं, यहाँ पढ़ने वाले छात्र बता रहे हैं। कैट सेंटर में हमारे साथ में विनाश है। विनाश ने अभी भी कैट सेंटर में एडमिशन लिया। विनाश हेलो, कैसी हैं आप? आपने कैट सेंटर में एडमिशन लिया है, तो इस कैट सेंटर में एडमिशन लेने की कोई वजह होगी? से कैट सेंटर में भी अप्रोच किया था और मैंने अपने फ्रेंड्स को भी पूछा था इस बारे में कि मतलब कौन सा जगह अच्छी रहेगी या कौन सी जगह पे अच्छा पढ़ाया जाएगा। तो उस सबसे मुझे जगह के बारे में पता चला है कि यहाँ पे हमें अच्छे से पढ़ाया जाता है और वी कम टू नो अबाउट वेरी स्ट्रेंज थिंग्स हियर एंड वी कैन नो अबाउट द मेनी बेसिक्स ऑफ इट एंड many things about it. Please, all the students, previously your friends and police might have told you that all the doubts they were having, they got cleared here in this institution. Yes. So, what you want to become in your near future? Why we have opted this career? I would like to be an architecture in my future. So that I approached here and I felt that this is a great platform for me to gain knowledge about AutoCAD and other designing things, so I came here. How much you are confident about your future and what the faculty has chosen now? I am so confident about it and I can achieve it and this things can help me in developing my skills and my interest in the field. That's why I am so confident about it. Well, very rightly you said, Minada, we wish you all the best for your near future and you are so confident that God bless you. Thank you so much. कुठलंही क्षेत्र असू देत, मग ते शिक्षणाचं असो, व्यवसायाचं असो, घर सांभाळण्याचं असो, असं म्हणतात की मुली आजकाल कुठेही कमी पडत नाही। अशीच एक चुलबुलीशी, छानशी, गोडशी श्वेता आपल्यासोबत आहे जी की कॅट सेंटरमध्ये शिकते। आपण तिच्याशी जाणून घेऊया, तिच्याशी बोलूया आणि तिला विचारूया की कॅट सेंटरमध्ये तिला कसं वाटतं आणि ते काय ती शिकते आहे। श्वेता हॅलो, सांगशील आम्हाला तू इथे कॅट सेंटरमध्ये काय शिकतेस? मी इथे कॅट सेंटरमध्ये ऑटोकॅड शिकत आहे। मला इथे येऊन 2 महिने झाले आहे। जे पण म्हणजे काही जर समजलं वगैरे नाही तर इथल्या मॅडम सर खूप चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन करतात आणि भरपूर सारे जण इथे जे ऑटोकॅड तू शिकतेस हे का बरं चूज करून, म्हणजे काही असं असेल ना की मला पुढे चालू याचा काय उपयोग होणार आहे? म्हणजे सामोरून सामोर मला मोठ्या कंपनीमध्ये जर म्हणजे जॉब वगैरे एखाद्या वेळेस मिळाले तर तिथे ऑटोकॅड वगैरे विचारलं जातात आणि मग पुढे याच्यात जाऊन काय खूप छान आपल्याला करता येईल, म्हणजे करिअर सेट व्हायला ते म्हणते। मग सलमान सर आणि ज्या तुमच्या ज्या फॅकल्टी जे तुम्हाला शिकवतात त्यांच्याबद्दल काय सांगशील, कसं गायडन्स करतात ते तुला इथे? ते खूप चांगल्या प्रकारे गायडन्स करतात, जे नाही समजलं ते खूप चांगल्या प्रकारे समजावून पण सांगतात। बरं, तुझ्या एखाद्या मित्र मैत्रिणींना ज्यांना कॅट सेंटरमध्ये ॲडमिशन करायची आहे तर तू त्यांना काय सांगशील की त्यांनी ते ॲडमिशन घ्यायला पाहिजे? हो, इथे या कॅट सेंटरमध्ये ॲडमिशन घ्यायला पाहिजे कारण खूप चांगल्या प्रकारे इथं सांगतात आणि म्हणजे इथे चंद्रपूरमध्ये हे जे कॅट सेंटर आहे इथे खूप प्रकारचे म्हणजे भरपूर कोर्स उपलब्ध आहे, IT, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल आणि सिव्हिलवाल्यांसाठी। तर सगळ्यांनी म्हणजे इथं यायला पाहिजे, म्हणजे अतिउत्तम प्रकारे चांगलं शिकू। श्वेता, आपण जेव्हा शिकतो ना, मग आपण शाळेमध्ये शिकूया किंवा कॉलेजमध्ये शिकूया किंवा कॅट सेंटरमध्ये शिकूया, तर शिक्षण घेताना एक टेन्शन असतं। तर इथे तुला टेन्शन असतं की एक जर म्हटलं मी की आजकालच्या तुमच्या वयाच्या म्हणे सर शिकताना मज्जा येते, मज्जा येते की काय सांगशील, कसं होणार? मला
आणि फर्स्ट टाइम जेव्हा आली होती तेव्हा मला खूप म्हणजे थोडंफार बोर वाटत होतं. नंतर मग हळूहळू थोडी सवय झाली तर मग चांगलं वाटायला लागलं आणि मग एन्जॉय पण करायला लागलं. मजा येते. थँक्यू श्वेता, तुझ्या येणाऱ्या भविष्यासाठी आम्ही तुला खूप खूप शुभकामना देतो. धन्यवाद. यहाँ पर हम लोग है कैट सेंटर में चंद्रपुर के जो कि रघुवंशी कॉम्प्लेक्स में. यहाँ पर बच्चों को जो है इंजीनियरिंग के बाद की जो स्किल इम्प्रूवमेंट होती है वो यहाँ पर पढ़ाया जाता है. और यहाँ पर मेरे साथ में है ऋतिक, और ऋतिक नाम की तरह हंसमुख है, प्यारे हैं और बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं. कैट सेंटर में उनके अनुभव कैसे हम जानते हैं. हाँ ऋतिक बताइए, कैसा लगता है आपको कैट सेंटर में? सर मुझे लगता है सर भी अच्छा पढ़ाते हैं. मैडम लोग भी सपोर्ट करते हैं, कभी छुट्टी मारे तो पूछते हैं मैडम दूसरे दिन कल क्यों नहीं आए. वो उनका हक है ना कि आगे पढ़ाई निकल रहा है. हाँ अच्छे से पढ़ाते और सर भी पूछते रहते हैं आप छुट्टी क्यों मारे, डाउट वगैरह पूरे क्लियर करते हैं. और कुछ भी प्रॉब्लम है तो सर पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है. कभी 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 बीच में गैप पड़ जाता है, हम आ नहीं सकते तो उसके लिए पूछते हैं. कुछ डाउट फ्रीली मुझे बताओ. मेरा अभी एस्टीमेट का कोर्स चल रहा है जी. हाँ मैंने ज्वाइन किया तो एस्टीमेशन कर रहा हूँ. इसका क्या भविष्य में आपको फायदा होगा? भविष्य में जैसे भी कॉन्टैक्ट बेसिस पे कुछ भी वैकेंसी निकलती है एस्टीमेशन के लिए वगैरह निकलती है तो उसके बेसिस पे आपका जो एस्टीमेशन होता है किस फील्ड का एस्टीमेशन? सिविल इंजीनियर होता है. आपने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है. आपका इंजीनियर का अनुभव और उसको जो पॉलिश यहाँ पर मिल रही है, आप क्या समझते हैं कि आप एक बेहतर इंजीनियर के पॉलिश वे में आप आगे बढ़ पाएंगे? हाँ जरूर बढ़ पाऊंगा सर. कैट सेंटर का क्या सपोर्ट है? कैट सेंटर का अच्छा सपोर्ट है सर, वगैरह हेल्प करती है. और कहीं भी वैकेंसी भी निकलती है कैट सेंटर में से तो सर पहले ग्रुप में डालते हैं. अच्छा मतलब आपको एक तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए भी कैट सेंटर में आपको जो है सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है. कहीं भी वैकेंसी प्लेसमेंट वगैरह निकलते थे सर ग्रुप में डाल देते हैं प्लेसमेंट के लिए तो वहाँ पे रीजन सेट करते हैं. जब भी इंटरव्यू लेगा चलिए हम आशा करते हैं कि आपको आपके भविष्य में या तो अच्छा जॉब मिले. अगर आप अपना खुद का अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप अगर शुरू करते हैं करना चाहते हैं उसमें आपको जो है यशस्वीता मिले. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. कैट सेंटर के प्रमुख श्री सलमान सैयद, इन्होंने भी स्किल एजुकेशन का महत्व विशद किया है. साथ ही कैट सेंटर के माध्यम से बच्चों को करियर गाइडलाइंस भी मुहैया कराई जाती है. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सैयद सलमान है. मैं कैट सेंटर चंद्रपुर यहाँ पर सेंटर हेड हूँ. कैट सेंटर में हम प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल स्किल, जिसको हम जैसे फील्ड में होती है हमारे ऑटो कैट, रेबिट, कटिया, सॉलिड वर्क, जैसे मैकेनिकल के हिसाब से होती है. आईटी फील्ड के हिसाब से जैसे कोडिंग हो गया लाइक पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस, ये सारी चीज़ें जो है स्किल डेवलपमेंट में आती है जिसकी हम ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं. और जैसे हम लास्ट 3 ईयर से इसको ट्रेनिंग यहाँ पर कंडक्ट करवा रहे हैं. नंबर ऑफ हमने आज तक जैसे 50 प्लस स्टूडेंट्स जो है हमने प्लेस कर दिए हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, जो कि चंद्रपुर से ही है बेसिकली. और आज वो नागपुर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं. तो ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम यहाँ पर रन करते हैं विथ और करियर गाइडेंस भी हम यहाँ पर प्रॉपरली प्रोवाइड करते हैं. एज पर जैसे डिज़ाइनिंग फील्ड में किसी को करियर बनाना है या फिर सॉफ्ट स्किल में किसी को करियर बनाना है, इसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर करियर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें यहाँ पर 3 महीना या 6 महीना या 1 साल इस टाइप से आपकी ट्रेनिंग ड्यूरेशंस होता है, जिसका एक मिनिमम अमाउंट रहेगा जो आपको पे करना पड़ेगा. उसके अकॉर्डिंगली हम आपको पूरा अप टू प्लेसमेंट असिस्टेंट वहाँ तक हम आपकी पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. दिस इज़ अ कैट सेंटर चंद्रपुर. हमारा पता है रघुवंशी कॉम्प्लेक्स नियर आज़ाद गार्डन चंद्रपुर. यहाँ की फैकल्टी ने भी कैट सेंटर के बारे में अपने अनुभव साझा किए. कैट सेंटर में जहाँ सीखना बच्चों के लिए एक प्रोसेस है, लेकिन बच्चों को सीखने के लिए सिखाने वाले भी चाहिए. तो सिखाने वाले फैकल्टी अगर उसी अपनी तरह से सिखाए तो सीखने वाले बच्चे की जुबानी जो है वो अपना जो प्रोग्रेस है वो खुद अपनी जुबानी बहुत बेहतर तरीके से बताए. क्योंकि हमने देखा कि बच्चे कितना सही तरीके से सीख रहे हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कैट सेंटर में उन्हें बहुत बेहतर तरीके से सिखाया जाता है. तो इनको सिखाने वाली फैकल्टी तो अभी मेरे साथ में और ये है माधुरी और महिमा, आप दोनों का स्वागत है. जो बच्चे यहाँ पर कैट सेंटर में आते हैं तो आप कैसे उनको हैंडल करके कैसे उनको सिखाते हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कोशिश करते हैं कि उनके जो भी डाउट्स है तो वो अच्छे से क्लियर हो, ताकि आगे जाके उनको कुछ डाउट ना रहे कि ये डायग्राम कैसे बनाए। और जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं ताकि उनको अपने जो मदर टंग्स है वो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, जो ताकि सारी चीज़ें उन्हें प्रॉपरली समझ में आए, मतलब जो आप लैंग्वेज सिखाते हो उनको अपने उनकी मातृभाषा में कन्वर्ट करके ताकि उनका अप्रोच जो है बहुत आसानी से समझ जाए। आप कितने सालों से हैं बैंगलोर? मैं 2 साल से यहाँ पे जॉब। कैसा अनुभव रहा है आपका? बहुत अच्छा है, सपोर्ट सपोर्टिव, और हमको खुद भी डेवलप करने का टाइम मिलता है, हम खुद को भी अच्छे से डेवलप कर पाते हैं, साथ साथ हम जॉब भी करते हैं, तो हमारी जो इनकम भी है वो भी हो जाती है और हमको पढ़ने का भी मिलता है। एक कहते हैं ऐसा कि जब हम पढ़ाते हैं, जब हमारा ज्ञान तो हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, ज्ञान इसको विश्वास करते हैं। तो आपका भी ज्ञान इसके साथ में बढ़ता है। कैट सेंटर में जो बच्चे आने वाले हैं या उनका एडमिशन करेंगे, आप उनको क्या बताना चाहेंगे इस माध्यम से? हम उनको ये बताना चाहेंगे कि आप आओ, एडमिशन करो, अगर लाइफ टाइम तक सपोर्ट रहता है आपको, कुछ भी कभी भी डाउट आए, कोई भी कोर्स चाहे वो आईटी के हो या इंजीनियरिंग के, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। इनकेस अगर आपका कोर्स भी खत्म हो जाता है उसके बाद भी हम लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब आप ऐसे टीचर हैं जो अपने स्टूडेंट्स से आगे नहीं छोड़ते? नहीं छोड़ते। सलमान सर जो है आपके मेंटर हैं, यहाँ के सर जो हैं डायरेक्टर हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैम ने बताया कि सर बहुत सपोर्टिव है, कभी कई चीज़ें ऐसी होती है कि हमें भी समझ में नहीं आती है, तो सर हमें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, सर भी हमें साथ में लेके चलते हैं, और साथ साथ में ये भी बताया कि स्टूडेंट को भी हमें साथ में लेके चलना है क्योंकि वो हमारे घर से यहाँ पे आते हैं, तो उनका हाथ हमें कभी नहीं छोड़ना है, और सर इस बात का पूरा ध्यान। तो हमें लगता है कि इस प्रॉपर चैनल से जहाँ पर यहाँ के जो टीचर साथ है वो भी बच्चों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं उनके भविष्य के लिए, उनके साथ उनको अपना बनाकर उनको यहाँ पर शिक्षा देना ही कहते हैं, ऐसे टीचर जहाँ पर हो उस अब इंस्टीट्यूशन का भविष्य उज्ज्वल है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे उनका भी भविष्य उज्ज्वल है। इनबीसी न्यूज के लिए चंद्रपुर से रत्नाकर मलिक के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।